तो नेक्स्ट अभी हम लोग शिवा ढोल की तरफ जा रहे हैं। शिवा ढोल शायद एक मंदिर होगा, तो वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। सभी स्टूडेंट खाना वाना भोजन के बाद हम लोग जा रहे हैं आगे शिवा ढोल। बड़े सुंदर तस्वीर दिखाई दे रहा है आप लोग, कभी दे दूँगा आपको, तो बने रहे चैनल पर। ओहो, ये वाटर टैंक था, ये रहा वाटर टैंक, सोले का वाटर टैंक है नहीं क्या? अंगूठी बनवा लो। शिवा डॉल सेबेस्टियन अभी शिवा डॉल डॉल बजाएगा। सखी नहीं जलाएगा, हम लोग सिर्फ दर्शन करेगा, हम लोग मन से दर्शन करेगा ना। भिखारी इलाका, भिखारी मुक्त इलाका। ओके, ये शिवा डॉल का बाहर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, पूरा काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पे भिखारी मुक्त इलाका, मतलब कोई भी भिखारी नहीं है यहाँ। क्या चलो, क्या हुआ? फूल निसिंगो सामने आप देख रहे हैं शिव डॉल यानी कि शिव मंदिर, और इसे रानी अंबिका ने बनाया था सन 1734 में। और इस मंदिर का हाइट ऊंचाई है 104 फीट, और ऊपर जो आप सोने का डोम देख रहे हैं वो 8 फीट है। जब ब्रिटिश इसे सोने का डोम को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से ट्राई किया था पर लेने नहीं सका। लोगों का कहना है कि वह ब्रिटिश उसी रात को मर गया। सो ऐसे बहुत से रहस्य हैं इस मंदिर के, बहुत से कथाएँ हैं। तो आप लोग भी आइए, और सामने देख सकते हैं आप, ये माँ दुर्गा देवी मंदिर है, देवी डोल। और यहाँ में करीब लगभग 3 मंदिर है, विष्णु डोल, शिव डोल और देवी डोल। और माना जाता है ये भारत का सबसे ऊंचा मीनार वाला मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सामने देख रहे हैं विष्णु डोल मंदिर। ये तीनों मंदिर क्वीन अंबिका ने बनाया था, करीब 30 साल लगा इन मंदिर को बनाने के लिए। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मेरा वीडियो कैसे लगा, कैसे नहीं, सिर्फ अगर ये जगह कैसे लगा बताना ज़रूर। आप लोग भी शिवा डॉल आना चाहते हैं तो जस्ट गूगल मैप ऑन करिए और गूगल डायरेक्शन के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए। शिवसागर आने से गूगल मैप ऑन कीजिए और आप लोगों को गूगल ही बताएगा किस जगह पे शिवा डॉल है, फिर तलातल घर है और करेंग घर सब है, सब आपको गूगल मैप ही बता देगा। तो आप लोग देख सकते और सामने देख रहे हैं आप बोरपोखरी। इसे भी अहोम राज्य काल के समय बनाया गया था, रानी अंबिका ने बनाया था। इतिहासकार का कहना है कि ये एक रात में ही खोदा गया था, है ना बड़ा आश्चर्यजनक। और ऐसे बहुत से कथाएं हैं, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, आप लोग यहाँ आकर जान सकेंगे। किताब में जो आप पढ़ा था वो सब अपने आँखों से देख सकेंगे, तो ज़रूर आइए।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिब्रूगढ़ बाईपास में हैं और काफ़ी अंधेरा हो रहा है, करीब 6:30 हो रहा है और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ में ऑयल डिपो में खड़े हैं एक छोटा मोटा काम के लिए और हम लोग अभी जाएंगे। और मैं ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ और आगे दिखाने नहीं सकूँगा, कभी रात भी हो गया। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को जो जो भी स्किप नहीं किया और अच्छा से देखा उन सभी को मेरा तरफ से बेस्ट विशेस। सभी सभी को, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं सभी को पूजा का बेस्ट विशेस दे रहा हूँ और थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इतना ही तक, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।